Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जो 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय डिबोरा चाओ. IMDb पर इस फिल्म का रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और 91% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. दोस्तों, ये फिल्म वीसी एंड्रूज के नॉवल फ्लावर्स इन द एटिक पर बेस्ड है एंड पार्शियली रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड भी है. चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत में हम बात करेंगे इसके रियल इंस्पिरेशन के बारे में. साल है 1940 के आसपास. ये कहानी है डोलान गैंगर फैमिली के बारे में. मिस्टर क्रिस्टोफर, उनकी पत्नी कोरिन, उनका 14 साल का बेटा क्रिस, 12 साल की बेटी कैथी और 5 साल के ट्वेंस कैरी एंड कोडी. क्रिस्टोफर एक बहुत ही बड़े कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है. रिप्यूटेबल जॉब है उनका, हाई सैलरी जिससे वो अपने फैमिली के लिए वो सब कुछ अफोर्ड कर पाते हैं जो ये लोग डिजर्व करते हैं. बिल्कुल एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ है इन लोगों की. एक बहुत ही प्यारा घर, खूबसूरत बीवी, बिल्कुल डॉल्स की तरह दिखने वाले प्यारे प्यारे बच्चे. बस कमी सिर्फ एक ही बात की है कि इस सब का इंतजाम करने के लिए क्रिस्टोफर को मैक्सिमम समय बाहर ही रहना पड़ता है. सभी उसे बहुत मिस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस करती है कैथी, वो डैडीज गर्ल जो है, ठीक जैसे क्रिस मम्मास बॉय है. पता नहीं कि कोडिन के साथ उसकी ज्यादा बंदी नहीं, तो अपने पिता के बिना वो हमेशा लोनली फील करती रहती है. इस बार जब क्रिस्टोफर घर वापस आते हैं तो सभी को पता चलता है कि उन्हें प्रमोशन मिला है. वो अभी अपने डिपार्टमेंट का हेड बन चुके हैं. सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम भी करते हैं. कोडिन सभी को बताना चाहती थी कि वो लोग अभी कितना रिच बनने वाले हैं, मगर उसी शाम उनका सारा सपना टूटकर बिखर जाता है जब उन्हें पता चलता है एक कार एक्सीडेंट में उनके पति की स्पॉट डेथ हो चुकी है. एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो जाता है. इससे पहले कोडिन ने कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं की थी. वो भी इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने शादी कर ली थी. ना उसका कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ना बाहरी दुनिया की कोई नॉलेज. वो तो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ थी जिसे सजने और मेकअप करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं. कैथी नोटिस करती है उसकी माँ एक एड्रेस पर बार बार खत भेज रही थी, मगर ये कौन है वो नहीं बताती. फाइनली एक दिन वो बहुत एक्साइटेडली डिक्लेयर करती है कि उन्हें उन लेटर्स का रिप्लाई मिल चुका है. उनके जीवन से सारे प्रॉब्लम्स बस दूर होने ही वाले हैं. पता चलता है कोडिन इतने दिनों से अपने माँ को खत लिख रही थी. इस बात से कैथी और क्रिस हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि उनके माँ का कोई परिवार है भी. असल में कोडिन के साथ उनके परिवार का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, इसीलिए उसने उनसे कॉन्टेक्ट नहीं रखा. लेकिन अभी सिचुएशन अलग है. क्रिस्टोफर ने सब कुछ लोन पर लिया था, मतलब ना ये घर उनका है ना ये कार्स. बैंक वाले कल ही आकर ये सब सील कर देंगे, तो आज रात ही उन्हें यहाँ से निकलना होगा. खुशी की बात ये है कोडिन का परिवार काफी रिच है. वर्जीनिया में सबसे बड़ा महल है उनका, दी फॉक्स वर्थ हॉल. पैसा, प्रॉपर्टी, फेम सब कुछ है, तो होपफुली उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी. बस अभी से उन्हें ये जीवन छोड़कर एक नया जीवन अपनाना होगा, एक नए आइडेंटिटी के साथ. अभी से वो लोग और डोलान गैंगर नहीं रहेंगे बल्कि फॉक्स वर्थ कहलाएंगे. उसी रात के ट्रेन में वो लोग निकल पड़ते हैं वर्जीनिया की तरफ. रात के ठीक 3 बजे उतरते हैं एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर, जहां से उन्हें चलकर पहुंचना होगा फॉक्स वर्थ मैंशन में, वो भी सूरज उठने से पहले. इतना दूर चलने की वजह से सभी बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी टायर्डनेस गायब हो जाती है उस महल को देखकर. उनके माँ ने झूठ नहीं कहा, यह तो किसी रॉयल पैलेस जैसा लग रहा था. उन्हें दरवाजे पर नॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनकी ग्रैनी पहले से ही वहां वेट कर रही थी. लेकिन ये उनका प्यार नहीं था, ना वो इन लोगों को देखकर खुश थी. वो बिल्कुल स्टेल्थली दवे पाव इन लोगों को लेकर ऊपर के कमरे में जाती है जो कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में था, एक कोने में. इतनी लुका छुपी सिर्फ इसलिए जिससे कोडिन के पिता मिस्टर फॉक्सफोर्थ को इन बच्चों की आवाज सुनाई ना दे. इनफैक्ट घर में किसी को भी पता ना चले कि इस घर में कोई बच्चा रहता है. असल में कोडिन ने अपने यंग एज में एक ऐसी गलती की थी जिससे नाराज होकर उसके पिता ने उसे अपने विल से निकाल दिया था. कोडिन फिर से उनका दिल जीतना चाहती है जिससे वो इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके. तो प्लान ये है, इन बच्चों को कुछ दिनों के लिए इसी कमरे में छुपकर रहना होगा. जैसे ही मिस्टर फॉक्सवर्थ कोडिन को माफ कर देंगे, वो उनसे अपने बच्चों के बारे में बता देगी. तब तक उन्हें यहीं पर रहना होगा, इसी कमरे में, किसी आवाज के बिना, बिल्कुल चूहों की तरह.
इस सब के चलते हम नोटिस करते हैं उनके ग्रैनी का बर्ताव काफी अजीब है। वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, एक्सेंट्रिक है। स्पेशली क्रिस्टोफर का नाम तो वो सहन ही नहीं कर पा रही थी। बार बार किसी पाप की जिक्र कर रही थी और इन बच्चों को भी वार्न करती है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो तो भाई बहन को एक बेड शेयर तक करने नहीं देती। अजीब, बहुत ही अजीब। वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैनी आती है उनका खाना लेकर। एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, सैंडविच फॉर लंच एंड चिकन फॉर डिनर। इनफ नहीं है चार लोगों के लिए। मगर वो बार बार ऐसे इस रूम में नहीं आ सकती। घर में कई सारे नौकर चाकर हैं जिन्हें शक हो सकता है। वो इन लोगों के लिए एक सेट ऑफ रूल्स रेडी करती है। वो लोग इस कमरे से कभी निकल नहीं सकते। दरवाजा हमेशा लॉक्ड रहेगा, जिनकी चाबी ग्रैनी के पास रहेगी। वो लोग कोई आवाज नहीं कर सकते, खिड़की के पास नहीं जा सकते। अगर बच्चों को खेलना है तो इसी रूम से एटिक में जाने का रास्ता है। वहां जाकर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। खाना दिन में एक बार ही मिलेगा, कुछ भी वेस्ट करना नहीं है। कमरा बिल्कुल साफ रखना होगा और हर फ्राइडे उन्हें अपना सामान लेकर ऊपर एटिक में जाकर छुपना होगा, क्योंकि उस दिन मेड इस रूम की सफाई करेगी। रूम को ऐसे रखना होगा जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं। ग्रैनी वार्न भी करती है, अगर इनमें से एक नियम भी टूटा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, जो भी बहुत ही भयानक होने वाला है। ये कहकर वो निकल जाती है और बच्चे ऊपर एटिक में जा पहुंचते हैं। एटिक की हालत बहुत ही खराब है। चारों तरफ धूल जमा हुआ है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। कैरी और कोडी को तो यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। खाना ठंड पड़ जाने के कारण वो लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे थे। मगर क्रिस बहुत ही ज्यादा होपफुल है। उनकी माँ जरूर बहुत जल्द इसका कोई हल निकाल लेगी। उन्हें ग्रैंडपा अपना लेंगे और दे विल बी रिच अगेन। अभी बस और कुछ दिनों की बात है, उन्हें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। वो लोग किसी तरह से हंसी मजाक में दिन गुजारने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी को शायद इन बच्चों के खिलखारी से भी नफरत थी, जिसकी पनिशमेंट वो कोडिन को देती है। उसे 38 टाइम्स व्हिप किया जाता है, जो इन बच्चों के लिए वार्निंग था। आगे से उनकी बात ना मानने पर उनके साथ भी यही होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि ग्रैनी बार बार उन्हें शैतान के बच्चे क्यों कह रहे थे। उनका जन्म ही जैसे पाप से भरा है। नेक्स्ट डे कैथी और क्रिस को इसका मतलब पता चल जाता है जब कोडिन उनसे कहती है कि उनका पति असल में उनका स्टेप अंकल है, उनके पिता मिस्टर फॉक्सवर्थ का सौतेला भाई। यही वो पाप है जिसके लिए उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते थे और इन बच्चों को उस पाप का ही परिणाम मानते हैं। स्पेशली उसकी माँ, जो कोडिन को सिर्फ इसीलिए घर में रहने दे रही है ताकि वो हमेशा उसे टॉन्ट कर पाए और खुद को सही साबित कर पाए। क्रिस अपने माँ की हालत समझ पा रहा था। वो भी इस घर में खुश नहीं है। ऐसे माँ के साथ भला कौन खुश रह सकता है। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। इनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया था, सिर्फ कोडिन का आना कम होता जा रहा था। वो पिछले एक महीने से इस रूम में नहीं आई थी। फाइनली जब वो आती है वो बहुत खुश दिख रही थी। क्यों ना हो, वो अपने जिंदगी को एंजॉय जो करने लगी थी। अपने पिता के साथ वक्त बिताने के साथ साथ पुराने दोस्तों के साथ भी घूमने जाती थी। वो अपने बच्चों के बारे में जैसे भूल ही गई थी। कैथी उनकी खुशी देखकर बहुत नाराज हो जाती है। उन्हें ऐसे एक जगह में कैद रख के वो कैसे अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकती है। कब वो अपने पिता से उन्हें मिलवाएगी। इस सवाल के जवाब में उन्हें पता चलता है कि कोडिन कभी भी अपने पिता से उनके बारे में नहीं कह पाएगी, क्योंकि उन्होंने उसे एक बात पे ही, एक शर्त पे ही माफ किया है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। कैथी और क्रिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसका मतलब है उनके ग्रैंड पा के मरने तक उन्हें यहीं पर रहना होगा। उसके बाद उनकी माँ कोडिन मालकिन बनेगी और उन लोगों को सबके सामने ला पाएगी। भले ही वो कहती है कि मिस्टर फॉक्सवर्थ ऑलमोस्ट 80 साल के हैं, बहुत बीमार है, ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, मगर कैथी का भरोसा उन पर से उठ चुका था। इस एटिक के डैम्प वेदर में रहने के कारण, सनलाइट से दूर रहने के कारण एक बार कोडी बहुत बीमार पड़ जाता है, मगर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कैथी और क्रिस ही जैसे उनके पेरेंट्स बन चुके थे। कोडिन तो जैसे उन्हें छोड़ ही चुकी थी। वो सिर्फ उनके लिए कॉस्टली गिफ्ट्स, कपड़े, खिलौने ला सकती थी, मगर उनके आजादी का एश्योरेंस नहीं दे पाती। देखते देखते और कुछ महीने बीत जाते हैं। क्रिसमस का समय आ चुका था। इस हॉल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज किया जाता है, जिसमें कैथी और क्रिस भी जाने की जिद करते हैं। कोडिन उन्हें एक हिडन कॉर्नर में छुपा देती है, जहां से वो लोग सब कुछ देख पा रहे थे। उसी पार्टी में वो लोग पहली बार अपने माँ को एक दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये उनका फैमिली अटॉर्नी था, बार्ट विंस्लो, जिसके बारे में कोडिन ने उन्हें पहले ही कहा था। कुछ देर बाद कैथी अपने रूम में जाकर सो जाती है, मगर क्रिस जाता है इस घर को एक्सप्लोर करने।
तो ऑब्वियसली उसे कमरे में लौटने में लेट हो जाता है और इस बात से कोडिन गुस्सा होकर क्रिस को थप्पड़ मारती है। साथ में उन्हें वेप करने की बात भी करती है, बिल्कुल अपने माँ की तरह। कोडिन बदल रही थी। कैथी और क्रिस ना उसे समझ पा रहे थे ना ग्रैनी को। ग्रैनी उन्हें हर बात पे वार्न करती रहती है, कहती है पाप उनके खून में बह रहा है, वो लोग इनोसेंट कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है वो लोग समझ नहीं पाते। देखते देखते एक साल बीत जाता है और कैथी प्यूबर्टी हिट करती है। उसकी माँ उसे किनरवेयर गिफ्ट करती है जिसे ट्राई करते वक्त क्रिस उसे देख लेता है। इट वॉज कम्प्लीटली अनइंटेंशनल, मगर ग्रैनी को लगता है उन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही हो, तो वो क्रिस को कैथी के बाल काटने के लिए कहती है, नहीं तो उनमें से किसी को भी खाना नहीं मिलेगा एक हफ्ते तक। यही सही, मगर क्रिस ग्रैनी के शर्त पर राजी नहीं होता। कुछ दिनों तक भूखे बिताने के बाद उन्हें ग्रैनी कुछ फ्रूट्स तो देकर जाती हैं, मगर उसी रात कोई कैथी के बालों पर टार लगा देता है। क्रिस उसे क्लीन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मजबूरन उसे कैथी के बाल काटना ही पड़ता है। देखते देखते दो साल बीत जाते हैं, उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रह जाती है। कैरी और कोडी को देखकर कैथी को बहुत दुख होता है, वो लोग ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करते। एंटरटेनमेंट के लिए कैथी और क्रिस कभी कभी रात के अंधेरे में एटिक से निकलकर बाहर लेक के पास जाकर वक्त बिताते हैं, अपने दिमाग को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, मगर और कब तक वो लोग ऐसे जिएंगे। कोडिन को वो लोग और बिलीव नहीं कर पा रहे थे, वो पिछले 3 महीनों से उनसे मिलने नहीं आई थी, उन्हें पता तक नहीं वो है कहाँ। एक दिन फाइनली वो आती है, पता चलता है उसने दूसरी शादी की है उस अटॉर्नी से, और इतने दिनों से वो यूरोप में थी, हनीमून मना रही थी। इस बार तो क्रिस भी अपना आपा खो देता है, वो चिल्लाने लग जाता है अपनी ही माँ पर, जो उसने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार उसे भी एहसास होने लगा है कि कोडिन अपने जिंदगी से उनके एग्जिस्टेंस मिटा रही है। इसके अगले दिन ही इनके ग्रैनी उनके लिए कुछ डोनट्स लेकर देती है, ये कोडिन की तरफ से था, सॉरी नोट वाला। मगर ग्रैनी को इसमें भी प्रॉब्लम है, वो कहती है इन्हें ना खाना ही बेहतर होगा, ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पता नहीं कोडिन क्या करने की कोशिश कर रही थी, मगर फाइनली क्रिस को समझ आ चुका था कि उन्हें उनकी परवाह नहीं है। कैथी उसे भागने के लिए कहती है, मगर उसके लिए भी तो प्रिपरेशन जरूरी है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है उनके लाइफ में। इस अनहेल्दी केज्ड लाइफ को जीने के चक्कर में कैथी और क्रिस के बीच भी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप ग्रो करने लगा था, जिसकी भनक शायद ग्रैनी को पहले से ही लग चुकी थी। इसी के बारे में तो वो पहले से उन्हें वार्न कर रही थी, उनके माँ ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था ना। वो उन्हें पनिश करने की भी कोशिश करती है, मगर क्रिस जाकर उनका पैर पकड़ लेता है, माफी मांगने लगता है उससे। ग्रैनी तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ये असल में उसका एक्टिंग था। वो तो इस मौके पर ग्रैनी के हाथ में जो मास्टर की थी उसका इम्प्रेशन ले रहा था एक साबुन पर। कुछ ही दिनों के अंदर वो उससे एक वुडन की बना लेता है और हर रात अपने माँ के कमरे में जाकर पैसा चोरी करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब कैथी कोडिन के रूम में जाती है, उसे वहाँ बार्ट मिल जाता है जो नींद में था। कैथी उसे किस करती है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और पैसा चुरा कर वापस आ जाती है। उसे लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन असल में बार्ट को उसका टच फील हुआ था। वो कोडिन से कहता भी है कि उसे सपने में एक यंग खूबसूरत लड़की दिखी थी, ब्लॉन्ड हेयर वाली, जो उसे किस कर रही थी। कोडिन को शक होता है, मगर उसे यह भी लगता है कि कैथी उस कमरे से बाहर कैसे आ सकती है, वो तो लॉक्ड है। वो तो बहुत पहले ही उनसे मिलना बंद कर चुकी थी, अभी वो अपने पति के साथ इस घर को छोड़ने की भी बात कर रही थी। क्रिस समझ चुका था उन्हें जो करना होगा जल्दी करना होगा, वो लोग कोशिश भी कर रहे थे, मगर इसी बीच एक दिन अचानक से ही कोडी भयानक बीमार पड़ जाता है। बहुत ही ज्यादा वॉमिट करने लगा था वो, उसका चेहरा भी फीका पड़ चुका था, लेकिन फिर भी कोडिन को उसकी ट्रीटमेंट जरूरी नहीं लग रही थी। वो अपने भलाई के लिए, अपने इस सीक्रेट को छुपा कर रखने के लिए अपने बेटे को मरते हुए देख भी उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। कैथी, जो इतने दिनों से एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी, वो खुद को और रोक नहीं पाती। वो अपनी माँ का बहुत इंसल्ट करती है, कोडिन उसे थप्पड़ मारती है तो वो भी उल्टा उसे मारती है, और फाइनली कोडिन कोडी को लेकर निकल जाती है। नेक्स्ट डे उन्हें खबर मिलती है कोडी मर चुका है, मगर इससे कोडिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्रिस समझ चुका था उन्हें और लेट करना नहीं चाहिए, नहीं तो उन्हें भी वैसे ही विदाउट एनी ट्रीटमेंट इस एटिक में मरना होगा। उनके पास इनफ पैसा तो हो चुका है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं उस रात उन्हें जो भी मिलेगा, पैसा, ज्वेलरी, सब कुछ लेकर वो लोग भाग जाएंगे। वो लोग करते भी वही है, मगर उसी रात उन्हें पता चलता है कोडिन अपने पति को लेकर ऑलरेडी इस घर को छोड़कर जा चुकी है। क्रिस को ये भी पता चलता है कि मिस्टर फॉक्सवर्थ को मरे हुए 7 मंथ्स हो चुके हैं। अभी कोडिन ही इस घर की मालकिन है और वो बहुत जल्द इस फॉक्सवर्थ हॉल को भी बेचने वाली है।
साथ में क्रिस कुछ लोगों को बोलते हुए भी सुनता है कि उनकी ग्रैनी पिछले एक साल से एटिक में छुपे हुए चूहों के लिए पॉइजन छोड़ रही है। इन सर्वेंट्स को पता नहीं था उस एटिक में चूहे नहीं बल्कि ये लोग रहते हैं, मतलब उनकी ग्रैनी उन्हें ही पॉइजन दे रही थी जिससे कोड़ी की मौत हुई है। क्रिस भाग कर कैथी के पास जाकर पहुंचता है जो कैरी को संभाल रही थी। कैरी रो रही थी क्योंकि उनका पेट चूहा गुजर गया था, वो भी उनका ही खाना खाकर। इससे कैथी भी श्योर हो जाती है कि उन लोगों का स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। वो लोग उसी वक्त भागने की कोशिश करते हैं मगर ग्रैनी उन्हें रोक लेती है, उन्हें पनिश करने की बात करती है मगर इस बार वो लोग मिलकर उनका सामना करते हैं। उन्हें पता था ग्रैनी क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो वो उन्हें भी अपने साथ एटिक में ले जाते हैं, दरवाजा बंद करके लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं। ग्रैनी तो हालत खराब हो जाती है उनकी, वो कहने लग जाती है उन्हें पॉइजन देने का आइडिया उनके माँ का था, उनका नहीं। उनकी माँ बेहद प्यार से उन्हें जो डोनट्स भेजती थी उस पर जो शुगर कोटिंग होता था वही था पॉइजन। इनके ग्रैनी ने कई बार उन्हें इनडायरेक्टली मना भी की, अब उन लोगों ने नहीं समझा इसमें इनका क्या कसूर, किसका कसूर था, कितना था, वो समझने का वक्त तो गया, अभी कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ग्रैनी चिल्लाने लग जाती है और ये लोग एटिक से रस्सी के मदद से नीचे उतरते हैं और भागने लगते हैं। बीच रास्ते पर उन्हें इस घर का केयरटेकर रोक लेता है मगर जब कैथ ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है तो वो उन्हें छोड़ भी देता है। शायद उन्हें भी कोई शक हुआ था। ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद वो लोग इस घर से निकल पा रहे थे। किसी तरह से वो लोग भाग कर स्टेशन तक पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इतने सालों बाद उन्हें पहली बार फील हो रहा था कि वो लोग अभी भी जिंदा है। उन्हें उस घर में कभी वापस नहीं जाना लेकिन कैथी खुद से प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो अपने माँ का सामना जरूर करेगी, उनसे बदला लेना ही अभी उसके जिंदगी का सोल पर्पस है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रियल लाइफ इंस्पिरेशन को लेकर। दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही फेमस नॉवल फ्लावर्स इन द एटिक का अडैप्टेशन है जिसे वीसी एंड्रयूज ने लिखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जब हॉस्पिटलाइज थी कुछ महीनों के लिए तब उनके एक डॉक्टर से उन्होंने ऐसी एक कहानी सुनी थी जो कि कम्प्लीटली रियल स्टोरी है और बाकी के कहानी का आइडिया उन्हें रेगुलर न्यूज़पेपर से मिला है। मतलब उनके पास कोई सर्टेन रेफरेंस तो नहीं है मगर इस कहानी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जरूर रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।